हम पहुंच गए गणपति की शॉपिंग के लिए लोहार चाल मंगलदास मार्केट। और क्योंकि हम संडे को गए थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बट देखते हैं जो भी क्लिप्स हैं मेरे पास। और अब आपको दिखेगी मेरी बहन धूप से पागल होता हुआ। और यहाँ मम्मी हमारे बैकड्रॉप के लिए कर्टन्स के लिए कपड़े ढूंढती। ये 3 मीटर है बोल रही। द रीज़न जो हम इसको नहीं लाना चाहता था, बट ये ज़िद्दी औरत आ गई। और अब इसे देखो गर्म हो रहा है बैक टू द कर। बोलो एक्सक्लूसिव क्लिप ऑफ दिस गर्ल। ये यहाँ पे ये करने आई है, जहाँ जगह दिखे बैठ जाती है। हाँ दीदी, मम्मी को लग रहा है मैं उनकी पिक्चर क्लिक कर रही हूँ और वो मस्त पोज दे रही हैं। इतने प्यारे प्यारे फूल और काफ़ी डेकोरेशन का सामान, बट उतनी ही ज़्यादा भीड़। और फाइनली हमारी ये शॉपिंग की ट्रिप ख़त्म हुई और हम लोग घर आ ही गए। मम्मी की शक्ल देखनी चाहिए। फाइनली इट्स डेकोरेशन टाइम एंड ये हमारे हॉल का बिफोर लुक है। एंड बैकड्रॉप के लिए कर्टन्स भी सेट हो चुके हैं। ये लाइट्स की जो लड़ी थी ना, इतनी बड़ी थी और इतनी टैंगल्ड थी कि हम लोगों को काफ़ी देर लगी कि हम सिर्फ उसे सॉर्ट आउट करें बैठ के। उसके बाद मैंने लगा दिया मेरा फ़ोन एक जगह सेट और कर दिया टाइम लैप्स ऑन। तो अब आगे की काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको टाइम लैप्स में दिखने वाली है। एंड साथ साथ शुरू होता है हमारा ये स्ट्रगल ये फूल की पट्टी ऊपर लगाने के लिए। काफ़ी बड़ा टास्क था यार ये। कभी धागा बांध के डालने की कोशिश की, तो कभी कर्टन के रॉड पे उसको सपोर्ट देने की, बट वो नीचे गिर ही रहा था बार बार। फिर फाइनली हम लोग ने नीचे फूल वाले को बुलाया और उनने फाइनली हमें हेल्प करके दी। और काम के बीच में हम दोनों पागलों की तरह टाइम पास ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये देखो यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये सब फ्री की मॉडल बन रही है। मुझे पे करना चाहिए। कौन सी इंस्टाग्राम एस्थेटिक फ़ोटो निकाल रही है? थोड़ा काम कर रही है ये, तो वो भी क्लिप्स यूज़ करने चाहिए। सिर्फ पिंस पकड़ाने का काम है इसका। And as usual, Khushi is behind the camera. थोड़े बहुत टाइम पास के बाद अब हम लग गए काम पे वापस। और आई थिंक इसे शायद विस्टीरिया बोलते हैं ये फ्लावर्स को। तो अब हम शुरू हो गए उसको सेटअप करने के लिए। एंड फाइनली हमारी मेन वॉल का डेकोरेशन इज़ डन एंड वी वर रियली हैप्पी विद द आउटकम। फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मम्मी लग गई वापस मेन वॉल के सामने सारे टेबल सेट करने में। काफ़ी ट्रायल एंड एरर करा हम लोगों ने उस ब्लू कपड़े पे, बट फिर हमने सोचा क्योंकि हमारा थीम पिंक एंड वाइट ही है तो क्यों ना हम टेबल्स को भी पिंक एंड वाइट में रखें। एंड देन वी चेंज्ड इट।